जिस्म का भूखा उसे चेहरे के लिबास में मिला। वो उसे पहचानती कैसे जब चेहरे पर वो एक मुखौटा लगाकर मिला। राजस्थान के बूंदी में इन पंक्तियों को बयां करती एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप करता रहा। दरअसल इस घिनौनी वारदात को पिछले 8 सालों से अंजाम दिया जा रहा था और इसका खुलासा तब हुआ जब सोमवार यानी 29 नवंबर को लड़की और उसके भाई ने बूंदी के थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब युवती के पिता की साल 2012 में मौत हुई। उसके कुछ समय बाद पवन गौतम नाम का आरोपी लड़की के सिंगल पेरेंट होने का फायदा उठाकर नजदीकियां बढ़ाने लगा। जालसाज गौतम ने पहले दोस्ती, प्यार और फिर शादी की बातों का ऐसा षड्यंत्र रचा कि लड़की को इसकी भनक तक ना लगी। नादान नाबालिग को इसी बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वो बालिग हो जाएगी गौतम के साथ ब्याह रचा लेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बालिग होने के बाद जब भी वो शादी की बात कहती तो कभी पारिवारिक समस्या तो कभी आर्थिक मंदी की बात कहकर वो उसे टाल देता। पवन गौतम से मेरा रिलेशन था, वो 8 साल से मेरे साथ गलत काम कर रहा था और उसने मेरे से कहा मैं तेरे से शादी भी करूँगा और मैं जब भी बोलूँ उसे शादी के लिए और वो मना करता रहा मेरे से, भाई अभी 2-5 महीने रुक जा, 2-5 महीने बाद में करूँगा। फिर मेरे मतलब जब भी कोई ऐसी बात होती वो मेरे को फट से मना कर देता और फिर हम इस 8 साल तक मेरे 8-9 साल तक मेरे साथ गलत काम करता ही रहा वो। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब हाल में आरोपी गौतम शादी की बात से बिल्कुल मुकर गया। लंबे समय से चल रहे इस रिश्ते में अचानक आई इस दरार को लड़की सहन नहीं कर पाई और सदमे में चली गई। टूटे हुए दिल के चलते लड़की ने बहुत ज्यादा मात्रा में कपूर की गोलियां तक खा ली, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। इसकी वजह से उसे 3-4 दिनों तक कोटा के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बहरहाल जब लड़की की तबीयत सही हुई तब उसने गौतम के खिलाफ नैनवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।